हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड पेज ऑफ फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री बुक ऑफ सेवंथ क्लास सोशल साइंस। सेवंथ क्लास की सोशल साइंस में जो बुक सोशल साइंस की बुक है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें पॉलिटिकल साइंस का वन लेसन हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑन इक्वालिटी, और ये उसका सेकंड पार्ट है उस बुक का हिस्ट्री, और हिस्ट्री का ये हम लोग फर्स्ट लेसन स्टडी कर रहे हैं। हिस्ट्री के इस फर्स्ट लेसन की वन पेज हम लोग पिछले लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं एंड द लेसन्स नेम इज, लेसन का जो नेम है इसका वो है ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू ए थाउजेंड ईयर्स। थाउजेंड ईयर्स मीन्स हजार साल, एक हजार साल का जो टाइम है उसके अंदर क्या चेंजेज हुए, क्या बदलाव हुए, उसके बारे में जानना, उसका पता करना कि वन थाउजेंड ईयर्स में, एक हजार सालों में क्या चेंजेज आए। और ये एक हजार साल कौन से हैं? ये एक हजार साल है 700 CE टू 1800 CE। 700 CE का मतलब है कॉमन इरा। CE जब अपन लिखते हैं किसी भी टाइम के पीछे तो वो उसका फुल फॉर्म है कॉमन इरा, यानी जो भी जनरली अपने जो टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिस पैटर्न से, वो CE कहलाता है, कॉमन इरा, जिसको हम सन भी कहते हैं। जैसे अभी 2020 चल रहा है, ऐसे ही 2020 अभी चल रहा है, तो 700 CE से लेकर 1800 CE तक का जो टाइम पीरियड था लगभग 1100 ईयर्स बनते हैं उसमें, 1100 वर्ष। तो यहाँ पर उन 1100 ईयर्स में क्या क्या चेंजेज आए उसके बारे में हम लोग इस लेसन में स्टडी कर रहे हैं। वी हैव स्टडीड फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन इन प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग इसका फर्स्ट पेज स्टडी कर चुके थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड पेज, और आज हम लोग उसका सेकंड पेज स्टडी कर रहे हैं। इट इज गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये चल रहा है। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पेज, आइए शुरू करते हैं सेकंड पेज। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वेरियस लैंग्वेजेज। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यानी ऐतिहासिक दस्तावेज, जो इतिहास से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहा जाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट यानी उपस्थित हैं, जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, एक ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो एग्जिस्ट यानी उपस्थित हैं इन वेरियस लैंग्वेजेज, कई भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में पुरानी चीज़ें उपलब्ध होती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी कई लैंग्वेजेज में एग्जिस्ट है यानी उपस्थित है। विच हैव चेंज्ड, जो कि चेंज हो चुका है कंसिडरेबली यानी काफ़ी मात्रा में, कंसिडरेबली यानी जिसको कंसिडर किया जाना चाहिए, जिस यानी इसका भाव जो है कंसिडरेबली का, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में वो जो लैंग्वेज है जिनमें कि वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट हैं, पाए जाते हैं, वो जो लैंग्वेजेज हैं जिनमें वो रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं वो काफ़ी चेंज हो चुकी है, वो जो लैंग्वेजेज हैं वो लैंग्वेज काफ़ी चेंज हो चुकी है ओवर द ईयर्स, वर्षों के उपरांत, जैसे जैसे टाइम ईयर्स कई साल जो बीते हैं उसके कारण से, उसके साथ साथ कई सालों के बीतने के साथ साथ लैंग्वेजेज भी चेंज हो चुकी है। मेडिवल पर्सियन, मेडिवल का मतलब मध्य युग, यहाँ पर मेडिवल जो शब्द है वो बार बार आएगा, आ चुका है पहले, मध्यकालीन, मध्यकालीन पर्सियन का मतलब फारसी, फारसी भाषा, मेडिवल पर्सियन यानी मध्यकालीन फारसी। मध्यकाल किसको बोला है? ये जो 700 CE से 1800 CE का जो टाइम पीरियड हम स्टडी कर रहे हैं वो मेडिवल टाइम बोला गया है उसको, मध्यकाल। तो मेडिवल पर्सियन, जो उस टाइम की जो पर्सियन थी, उस टाइम की जो फारसी भाषा थी, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लोग इस पर्सियन को लेते हैं, फारसी भाषा को लेते हैं, इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन।
ये वर्तमान की जो पर्शियन है, वर्तमान की जो फारसी भाषा है, मॉडर्न जो पर्शियन है उससे डिफरेंट है वो मेडिवल वाली। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड्स टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी। ये जो चेंज आया है, ये जो मेडिवल वाली पर्शियन और मॉडर्न वाली पर्शियन में ये जो डिफरेंस आया है, ये केवल ग्रामर और वोकेबुलरी के लेवल पर ही नहीं आया है। यानी केवल ग्रामर चेंज नहीं हुई है, केवल वोकेबुलरी ही चेंज नहीं हुई है, शब्द वगैरह चेंज नहीं हुए हैं, बट द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, बल्कि जो शब्दों का अर्थ है, जो मीनिंग है वर्ड्स का, आल्सो चेंज ओवर टाइम, समय के साथ साथ शब्दों का अर्थ भी बदल गया है। मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज हो गया है, शब्दों का अर्थ भी बदल गया है। लेट अस टेक द टर्म हिंदुस्तान। आइए एक शब्द लेते हैं, एक टर्म लेते हैं, हिंदुस्तान। एक शब्द है हिंदुस्तान। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टूडे वी आर नो इट एज इंडिया। आज हम हिंदुस्तान को इंडिया के रूप में जानते हैं। हम लोग आज ऐसा मानते हैं कि इंडिया कह दो, चाहे हिंदुस्तान कह दो, चाहे भारत कह दो, एक ही बात है, हम लोग आज ऐसा मानते हैं। पर अभी यहां पर यह बताया जाएगा कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कितना बदला है, पहले क्या था, क्या किस रूप में इसका प्रयोग किया गया, बाद में क्या हुआ। तो हम लोग एक हिंदुस्तान शब्द के ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे इसका अर्थ बदला। यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं ना कि लैंग्वेजेज में जो वर्ड्स थे उनका मीनिंग बदल गया समय के साथ साथ। तो यहां पर हम इंडिया, हिंदुस्तान जो टर्म है उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। टुडे वी नो इट एज इंडिया, आज हम इसको इंडिया के रूप में जानते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, आज का जो राष्ट्र है, नेशन स्टेट का मतलब आज का जो राष्ट्र है, उस इंडिया के रूप में आज हम हिंदुस्तान को जानते हैं। When the term was used in the 13th century, जब ये 13th century यानी 13वीं शताब्दी में जब इस टर्म को यूज किया गया था, by मिनहाज ई सिराज, कोई मुस्लिम लेखक होगा, कौन था वो भी आएगा अभी। तो मिनहाज ई सिराज ये कोई पर्सन है, कौन है, ए क्रॉनिकलर, क्रॉनिकलर है ये। क्रॉनिकलर कौन होता है, जो इतिहास लिखता है। क्रॉनिकलर जो है वो इतिहास लेखन का काम करने वाला व्यक्ति क्रॉनिकलर कहलाता है। तो 13वीं शताब्दी में, 13th century में मिनहाज ई सिराज नाम का एक क्रॉनिकलर था, इतिहास लिखने वाला था। उसने जब इस हिंदुस्तान शब्द का 13th century में यूज किया, हु वर्कड इन पर्शियन, वो जो व्यक्ति था क्रॉनिकलर जो था इतिहास लिखने वाला, वो पर्शियन लैंग्वेज में काम करता था, यानी फारसी भाषा में वो लिखता था। ही मीन्ट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो उसने ये जो हिंदुस्तान शब्द का यूज किया वो किस किस परिपेक्ष में किया, तो उसने जो मिनहाज ई सिराज था, जो क्रॉनिकलर था, जो इतिहास लेखक था, उसने ये जो हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया 13वीं शताब्दी में, तो उसका मतलब ये था, इसका इससे इस, उसका मतलब ये था, द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा, पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया, एंड लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, और गंगा और यमुना नदी के बीच की जो जमीन है, ये जो एरिया है केवल बीच का, जो अपन कह सकते हैं मध्य भारत इसको, तो मध्य भारत का जो एरिया है वो, उसके लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था 13th century में। ही यूज्ड द टर्म, उसने ये टर्म यूज की इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, उसने राजनीतिक संदर्भ में ये टर्म यूज की, फॉर लैंड्स जमीनों के लिए, दैट वर ए पार्ट ऑफ रीजन ऑफ दिल्ली सुल्तान, जो कि दिल्ली के सुल्तान का जो एरिया था उसका ये पार्ट था, ये हिस्सा, यानी दिल्ली के सुल्तान का जो उस समय राज्य था वो इस एरिए पे था, जो अभी यहाँ पर बताया गया है, पंजाब हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड है, यहाँ पर दिल्ली का जो सुल्तान था उसका एरिया था ये, उसका वहाँ पर रूल था, वहाँ पर राज्य था उसका। तो इस एरिया के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था।
The area included in this term shifted along with the extent of the सल्तनत. जैसे जैसे सल्तनत यानी सुल्तान का राज्य एक्सटेंट यानी विस्तार होता गया, सुल्तान जो दिल्ली का सुल्तान था उसका जो राज्य था उसको सल्तनत कहते हैं. तो सल्तनत का जैसे जैसे एक्सटेंट हुआ, एक्सटेंट यानी विस्तार जैसे जैसे हुआ, दिस टर्म शिफ्टेड, तो ये जो हिंदुस्तान शब्द था ये भी शिफ्ट होता गया, यानी इसमें और भी जुड़ता गया एरिया, क्योंकि सुल्तान का एरिया बढ़ता गया तो वो एरिया हिंदुस्तान कहलाता गया. तो यहां पर जो ये लिखा है इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड, वो जो इस टर्म के अंदर जो एरिया इंक्लूडेड था वो शिफ्ट होता गया विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत. सल्तनत यानी सुल्तान के राज्य के एक्सटेंट के साथ, उसके विस्तार के साथ ये एरिया भी, इसका जो शब्द की परिभाषा थी जो एरिया था वो भी बढ़ता गया. बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड, लेकिन इस टर्म में कभी भी इंक्लूड नहीं था साउथ. साउथ साउथ इंडिया, इसमें कभी भी साउथ इंडिया इंक्लूडेड नहीं था. यानी उत्तर भारत में जैसे जैसे सल्तनत का विकास होता गया वैसे वैसे इस ये जो हिंदुस्तान शब्द है इसका जो एरिया है वो बढ़ता गया, लेकिन इसमें कभी भी साउथ इंडिया इंक्लूडेड नहीं था, दक्षिणी भारत इसमें सम्मिलित नहीं रहा कभी. कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसके विपरीत, ये जो बात अभी बताई है इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी टू दिस इसके विपरीत, इन द अर्ली 16 इसके विरुद्ध, विपरीत या विरुद्ध एक ही बात है, इसके विरुद्ध इन द अर्ली 16th सेंचुरी, ये बात अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो 13th सेंचुरी की कर रहे थे, 13वीं शताब्दी की, अब जो बात आ रही है वो 16वीं शताब्दी की आ रही है, यानी 300 वर्षों के बाद. कॉन्ट्रेरी टू दिस इसके विरुद्ध इन द अर्ली 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अर्ली यानी शुरुआत में, बाबर यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान, बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का यूज किया टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी. उसने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग कैसे, किस लिए किया, जियोग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए, भूगोल, जियोग्राफी यानी भूगोल, जमीन को, जमीन के बारे में, भूमि के बारे में, उसके बारे में समझाने के लिए उसने हिंदुस्तान टर्म का यूज किया 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी में. तो उसने किस किस के लिए यूज किया था इसका, बाबर ने, जियोग्राफी यानी भूगोल, द फोना, फूना का मतलब है पशु, वहां के पशु, एंड कल्चर और संस्कृति ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट कहलाता है ये अपना उपमहाद्वीप जो हिंदुस्तान, जो नीचे से समुद्र हिंद महासागर है नीचे, तो हिंद महासागर के ऊपर ऊपर जो एरिया है जो कि बाकी के कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप से जो अलग एरिया सेपरेट करता है अपने को, जैसे ऊपर हिमालय आ गया, नीचे ये आ गया हिंद महासागर, तो इसके बीच का जो एरिया है इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. तो वहां के जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहां के जो निवासी हैं, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, वहां का पशु वर्ग, वहां की भौगोलिक स्थिति, इन सब का वर्णन करने के लिए बाबर ने अर्ली 16th सेंचुरी में इस हिंदुस्तान शब्द का, टर्म का यूज किया. तो देखिए बदला है ना इसका अर्थ, 13वीं शताब्दी में इसमें साउथ इंडिया नहीं था, लेकिन 16th सेंचुरी में जब बाबर ने इसका उपयोग किया तो पूरा सब कॉन्टिनेंट इसके अंतर्गत था, पूरा उपमहाद्वीप इसका इसके अंतर्गत था. तो ये एक चेंज आया, ये अपने अगर कहीं अपने को ये प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो कि कैसे शब्दों का अर्थ बदल गया, तो ये एक उसका एग्जाम्पल है कि देखो हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला. ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं जो बदल गए, जिनका अर्थ बदल गया. द विलेज हेडमैन वॉज कॉल्ड ग्रामनी, गांव के जो हेडमैन होते थे, जो गांव के जो मुखिया होते थे, वॉज कॉल्ड ग्रामनी. इन द अर्लियर टाइम्स, अर्लियर टाइम्स यानी पुराने समय में, पहले के टाइम में गांव के मुखिया को ग्रामनी कहते थे.
वाइल नाउ, जबकि अब ही केम टू बी नॉन एज मुकद्दम। अब इस पहले यानी ये मुगलों के आने के पहले जो भारत था उसमें गांव का जो प्रमुख होता था उसको ग्रामनी कहते थे, लेकिन अब ये जो मध्यकाल था, मिडेवल्स का जो टाइम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेसन में, उसमें अब उसको कहने लगे मुकद्दम। ग्रामणी जो गांव का हेड होता था उसको पहले ग्रामणी कहा जाता था, लेकिन इस टाइम में ये जो मिडेवल्स का जो टाइम है, मध्यकाल का जो समय है, इसमें उसको मुकद्दम कहा जाने लगा। यू विल आल्सो नो, आप यह भी जानेंगे अबाउट न्यू नेम्स, नए नामों के बारे में भी आप जानेंगे। न्यू नेम्स फॉर ऑफिसर्स, जो अधिकारी होते थे उनके नए नए नामों के बारे में भी आप जानेंगे। सच एज अमिल्स, जैसे कि अमिल, अमिल नाम का अधिकारी। मुनसिफ, मुनसिफ शब्द तो आज भी चलता है, मुनसिफ है। मीर बख्शी, मीर बख्शी सेनापति को कहते हैं, कहते थे। चौधरी, तहसीलदार, एटसेट्रा, ये सारे मुगल कालीन शब्द हैं मध्यकाल के। मेडिवल्स का जो टाइम है जो हम लोग जिसकी स्टडी कर रहे हैं, ये शब्द ऑफिसर्स के लिए यानी अधिकारियों के लिए यूज किए जाते थे। इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय में या पहले के समय में, द रूलर्स यानी राजा वर नॉन एज, उनको वो जाने जाते थे, राजा लोग जो थे वो जाने जाते थे कुछ अलग शब्दों से। पहले उनको पुराने समय में उनको क्या कहा जाता था, राजा, निजाम, नवाब, एम्परर, एम्परर एज पादशाह, यानी एम्परर यानी साम्राज्ञी, एम्परर यानी जो राजा होता है, एम्परर यानी क्या उसके लिए एक शब्द है, सम्राट जो होते थे वो सम्राट को पादशाह कहने लगे। एंड आलम पनाह, मुगल कालीन में इसको आलम पनाह कहने लगे। तो ये राजाओं के लिए भी नए नए शब्दों का उपयोग होने लगा। एंड गवर्नर एज सूबेदार, और गवर्नर को, गवर्नर जो होता था वो सूबेदार के रूप में होता था। तो ये जो शब्द चलते थे ये मध्यकाल में शुरू हुए शब्द है, मुगल काल में जो मुगल काल रहा, मिडेविल्स का जो टाइम रहा, वो वहां पर ये शब्द अलग अलग चीजों के लिए शुरू हुए। आल्सो न्यू वर्ड्स सच एज परगना फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज, गांव का जो समूह होता था, कुछ गांवों का जो ग्रुप होता उसको परगना कहने लगे। सरकार फॉर ए प्रोविंस, प्रोविंस यानी प्रांत होता है, प्रांत जैसे राजस्थान प्रांत, राज्य मान लो आप। सरकार फॉर ए प्रोविंस, एक प्रांत के लिए सरकार शब्द। एंड सिक फॉर ए डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट यानी एक जिले के लिए सिक शब्द का यूज किया जाने लगा। विल बी सीन बीइंग यूज्ड, ये भी यूज किए हुए जाते देखे जाने लगे, ये भी यूज किए जाने जाते देखे जाने लगे, इनका भी उपयोग देखा जाने लगा। इन द मेडिवल्स पीरियड, ये जो मेडिवल्स पीरियड था यानी ये जो मध्यकाल का जो समय था, ए फॉरेनर, अब एक शब्द है फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब होता है बाहरी आदमी, बाहर का आदमी जो यहां का नहीं है वो फॉरेनर कहलाता है, विदेशी भी कह सकते हैं अपन फॉरेनर। तो ए फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर, उस समय में फॉरेनर जो होता था वो एक स्ट्रेंजर यानी अजनबी होता था, हु अपीयर्ड, जो दिखता प्रकट होता था यानी अचानक दिखने वाला कोई अजनबी जो होता था उसको फॉरेनर कहते थे। से इन गिवन विलेज, से इन ए गिवन विलेज, एक दिए हुए गांव में कहते थे उसको फॉरेनर कहते थे, जो बाहर का अजनबी आदमी होता था। समवन हु वॉज नॉट ए पार्ट, जो कि पार्ट नहीं होता था ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, वो उस गांव के कल्चर यानी उसकी संस्कृति और वहां के समाज का वो अंग नहीं होता था, कोई बाहर का जो व्यक्ति होता था उसको फॉरेनर कहते थे। इन हिंदी द टर्म परदेसी, हिंदी में इसके लिए शब्द होता था परदेसी, माइट बी यूज्ड, ये यूज किया जाता होगा टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, इस प्रकार के व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए परदेसी, हिंदी में परदेशी शब्द का यूज किया जाता था। एंड इन पर्शियन,
और फारसी भाषा में अजनबी। तो तीन भाषाओं का यहाँ पर बताया गया। फॉरेनर तो इंग्लिश का है, हिंदी में परदेसी और पर्सियन यानी फारसी भाषा में अजनबी शब्द का उपयोग किया जाता था। ए सिटी ड्वेलर, ड्वेलर का मतलब होता है रहने वाला, ड्वेल यानी घर होता है, ड्वेलर यानी रहने वाला। ए सिटी ड्वेलर एक शहर में रहने वाला, देयर फोर इसीलिए माइट हैव रिगार्डेड उसको वो समझा जाता था ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर। जो सिटी में रहने वाला था वो समझा जाता था एक फॉरेस्ट में रहने वाला एज ए फॉरेनर। एक ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर। जो सिटी ड्वेलर होता था यानी शहर में रहने वाला होता था वो जंगल में रहने वालों को अजनबी कहता था। ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर यानी जो शहर में रहने वाला होता था वो फॉरेस्ट में रहने वाले यानी जंगल में रहने वाले को वो कहता था फॉरेनर, विदेशी कहता था या परदेसी कहता था, अजनबी कहता था। शहर में रहने वाला व्यक्ति जंगल में रहने वाले को फॉरेनर कहता था, उसको विदेशी या अजनबी कहता था। बट पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले लोग वर नॉट फॉरेनर्स फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे, वो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं होते थे, परदेसी नहीं होते थे। इवन दाउ दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स, भले ही वो उस गांव में रहने वाले किसी भी धर्म के हो या किसी भी जाति से संबंध रखते हो, लेकिन वो एक गांव में रहने वाले वो आपस में फॉरेनर या अजनबी या परदेसी नहीं होते थे। लेकिन एक शहर में रहने वाला व्यक्ति जंगल में रहने वाले को जो फॉरेस्ट में रहता था उसको ये इस तरह से फॉरेनर के रूप में कहता था। पीजेंट से यहाँ एक शब्द आया है, किसान इसका मतलब है। कुछ नए शब्द आते हैं बीच बीच में। तो हमने अभी तक जो एक पैराग्राफ पढ़ा है उसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा है आज कि जो शब्दों का अर्थ है वो समय के साथ साथ बदला है, और इसको प्रूव करने के लिए हमने कुछ शब्दों का एग्जाम्पल लिया है। जैसे हिंदुस्तान शब्द का एग्जाम्पल लेकर के हमने देखा, उसके बाद में हमने देखा कि कई शब्द हैं जो बदल गए, पहले हिंदी में चलते थे बाद में फारसी में चलने लगे, कुछ इंग्लिश के भी आ गए, कुछ शब्दों का थोड़ा अर्थ बदल गया। तो ये जो परिवर्तन हैं ये भाषाओं का परिवर्तन और अर्थ का परिवर्तन ये समय के साथ साथ हुआ है। अभी तक जो पढ़ा है उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला जो पॉइंट है वो है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन। द पॉइंट नंबर वन, हिस्ट्री इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग टाइप्स। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, जो हिस्ट्री है इतिहास है उसको ब्रॉडली यानी मोटे तौर पर निम्न तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है, पहला जो टाइप है उसका वो है हिस्ट्री के जो टाइप है, पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजनीतिक इतिहास। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो पहली प्रकार की जो हिस्ट्री है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, राजनीतिक इतिहास। ये क्या होता है, दिस इज द स्टडी ऑफ किंग्स क्वींस लीडर्स एंड देयर गवर्नेंस। इसमें किस बात की स्टडी होती है पॉलिटिकल हिस्ट्री में, दिस इज द स्टडी, ये अध्ययन है किंग्स यानी राजाओं का, क्वींस यानी रानियों का, लीडर्स यानी नेताओं का, एंड देयर गवर्नेंस और उनकी गवर्नेंस यानी उनके साम्राज्य का। इन सब चीजों का की स्टडी जिस हिस्ट्री में होती है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री कहलाती है। दूसरी टाइप की हिस्ट्री होती है इकोनॉमिक हिस्ट्री, दिस इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित स्टडी है, अध्ययन है, ट्रेड यानी व्यापार से संबंधित, एंड कॉमर्स और वाणिज्य से संबंधित, ऑफ ए कंट्री और ए रीजन, किसी क्षेत्र या किसी देश के
इन इन चीजों से संबंधित जो हिस्ट्री होती है वो इकोनॉमिक हिस्ट्री होती है। नेक्स्ट टाइप जो है हिस्ट्री का वो है आर्ट हिस्ट्री, यानी कला इतिहास, कला का इतिहास। दिस इज द स्टडी ऑफ एंसेंट बिल्डिंग्स, ये है प्राचीन इमारतों का अध्ययन, पेंटिंग्स का अध्ययन, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला का अध्ययन, म्यूजिक यानी संगीत का अध्ययन एंड डांस ट्रेडिशंस और नाचने की जो परंपराएं हैं उनका अध्ययन। इन सब चीजों का अध्ययन आर्ट हिस्ट्री में किया जाता है। अगला जो टाइप है हिस्ट्री का वो है सोशल हिस्ट्री, यानी सामाजिक इतिहास। दिस इज द स्टडी ऑफ सोशल कस्टम्स, ये स्टडी है सामाजिक कस्टम्स यानी सामाजिक रीति रिवाजों एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं। ये सामाजिक रीति रिवाजों और ट्रेडिशंस यानी परंपराओं की स्टडी होती है। इसमें बिलीफ्स यानी अपने जो विश्वास है मन में, जो धारणाएं हैं, एंड नॉर्म्स और मानदंड जो है, कोई नियम कायदे हैं, उन सब की जो स्टडी होती है वो सोशल हिस्ट्री में होती है। हियर यहाँ इट शुड बी रिमेम्बर्ड, ये याद रखा जाना चाहिए ऑल टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, जितनी भी प्रकार की हिस्ट्री है, भले ही वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आर्ट एंड सोशल, ये जो चार प्रकार की हिस्ट्री है, ऑल आर इंटर डिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एंड सो इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है टू स्टडी, पढ़ाई करना एनी वन एस्पेक्ट, किसी एक पहलू की पढ़ाई करना ऑफ हिस्ट्री इन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है अलग से, यानी एक दूसरे पे ये चार प्रकार भले ही हैं हिस्ट्री के, चार टाइप भले ही हैं, भले ही हिस्ट्री को क्लासिफाइड कर दिया गया है, लेकिन किसी को भी सेपरेट पढ़ना, आइसोलेटेड करके पढ़ना, अलग से पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए अलग से इनको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली वास्तव में इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में हिस्टोरियंस आर लार्जली यूजिंग इंफॉर्मेशन, हिस्टोरियंस यानी जो इतिहास का अध्ययन करते हैं वो हिस्टोरियंस कहलाते हैं, हिस्टोरियंस आर लार्जली यूजिंग, पिछले कुछ वर्षों से हिस्टोरियन जो हैं, जो इतिहास को, इतिहास वेत्ता जो हैं या हिस्ट्री के जानकार हैं, आर लार्जली यूजिंग इंफॉर्मेशंस, वो बड़े तौर पर उन इंफॉर्मेशंस का यूज कर रहे हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड आर्ट हिस्ट्रीज, ये बड़े तौर पर पॉलिटिकल और आर्ट हिस्ट्रीज का यूज कर रहे हैं टू स्टडी सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्रीज। सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री का उपयोग का अध्ययन करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए यूज किसका कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंड आर्ट हिस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, एक दूसरे की सूचनाओं का उपयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है। द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, ये जो पीरियड अभी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं 700 CE से लेकर 1800 CE तक का जो ये टाइम पीरियड है जिसकी बातचीत इस लेसन में चल रही है, जो मेडिवल्स टाइम कहलाता है, मध्य युग कहलाता है, इस उन 1100 वर्षों की बात यहाँ पर चल रही है, 1100 ईयर्स की, या 1000 ईयर्स भी इसको कहा गया है लेसन के, जो उसका नेम है लेसन का उसमें 1000 ईयर्स कहा गया है उसको, तो उसकी बात चल रही है यहाँ पर। द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड यानी इस समय की जो हिस्ट्री है, ऑफ अवर हिस्ट्री, हमारे इतिहास का जो ये समय है, हमारे इतिहास के इस समय की जो हिस्ट्री है, इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी रुचिपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि अनलाइक द अर्लियर पीरियड, अर्लियर यानी इससे भी पहले का जो पीरियड था, इससे इन 1100 वर्षों से भी जो पहले का समय था, उसमें मैनी बुक्स रिटन इन द मेडिवल पीरियड, उसमें ज्यादा बुक्स नहीं मिलती है अपने को इन 1100 वर्षों से पहले की जो चीजें हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिलती है, लेकिन इन 1100 वर्षों के अंदर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई रिटन इन द मेडिवल पीरियड आर स्टिल अवेलेबल, वो अभी भी अवेलेबल है, जो इन 11 वर्षों में जो बुक्स लिखी गई वो अभी भी अवेलेबल है, एंड मैनी मोनामेंट्स और कई स्मारक
ऑफ दैट पीरियड, इस पीरियड के, इस काल के कई स्मारक आर स्टिल प्रेजेंट, वो अभी भी उपस्थित हैं। मैनी थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड इन दैट पीरियड, इस पीरियड में, इस 1100 वर्षों के काल में जो भी चीजें, कई जो चीजें इंट्रोड्यूस की गई, जिनको जो परिचय करवाई गई या जो लाई गई इस इन 1100 वर्षों में, आर स्टिल प्रिविलेंट टूडे, वो आज भी प्रचलित है। जो चीजें इन 1100 वर्षों में कई ऐसी है जो आई थी भारत में, जो आज भी प्रिविलेंट है यानी प्रचलित है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द टेस्टी बिरयानी। बिरयानी एक फूड, बिरयानी एक डिश होती है खाने की, तो बिरयानी, टेस्टी बिरयानी एंड द यमी कबाब, ये बिरयानी और कबाब दोनों ही खाने की डिशेज हैं, तो ये आज भी लोग खाते हैं, कुछ जो खाने वाले हैं। अराइवल ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों के आगमन से इन इंडिया, भारत में मुस्लिमों का आगमन रिजल्टेड इनटू ए लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन, उसके परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम आए तो उसका परिणाम क्या हुआ, ए लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन, इसका परिणाम हुआ भारत में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम हो गए इन द कंट्री, देश में। एंड दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड, और उन्होंने योगदान भी दिया इन चेंजिंग द वेज, तरीकों को बदलने में, ऑफ द नेशन, देश के, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रभावी रूप से। तो ये जो भारत में मुस्लिमों का अराइवल यानी आगमन हुआ और उसके कारण से मुस्लिमों की संख्या भारत में बहुत बढ़ गई, तो उसके कारण से देश की जो कुछ चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, बोलचाल की चीज़ें, कई चीज़ों को उन्होंने सिग्निफिकेंट मैनर में यानी प्रभावी रूप में चेंज किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। ईद उल फितर, ओनली टू लाइन्स आर इन द नेक्स्ट पेज डियर स्टूडेंट्स। ईद उल फितर हैज बीन डिक्लेयर्ड, ईद उल फितर जिसको हम ईद उल फितर कहते हैं, दो ईद आती है साल में, उसमें से एक ईद है ईद उल फितर, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए रिलीजियस हॉलीडे ऑफ आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री का, हमारे देश का एक धार्मिक छुट्टी का दिन घोषित किया जा चुका है। सेवरल वर्ड्स लाइक कागजात, पेपर्स, कई सारे वर्ड्स हैं ऐसे जिनको, जैसे एक शब्द है कागजात, जो पेपर्स के लिए यूज होता है। जवाब, जवाहरात, जवाहरात भी एक शब्द है जो कि ज्वेल्स यानी आभूषणों के लिए उपयोग होता है। एक और शब्द है मुफ्तखोर, मुफ्तखोर शब्द ये होता है जो मुफ्त की खाता है आदमी, उसके लिए मुफ्तखोर शब्द है। कम फ्रॉम द पीरियड, कम फ्रॉम दिस पीरियड, ये इसी पीरियड से आए हैं। सूफी म्यूजिक इज आल्सो ए गिफ्ट ऑफ दिस पीरियड, और ये जो पीरियड था 1100 वर्षों का, जो मेडिवल्स का पीरियड था, मध्यकाल का युग था, इसमें एक खास टाइप का संगीत भी प्रचलित हुआ, सूफी संगीत जिसको कहते हैं, तो सूफी म्यूजिक भी इस टाइम का एक गिफ्ट है, इस टाइम का एक उपहार है, और ये हमें देश में प्राप्त हुआ। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडे वन पेज, मोस्टली वन पेज एंड टू लाइंस फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, दो पेज इसमें नहीं है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ, टू लाइंस जो है वो नेक्स्ट पेज में रह गई है, मैंने उधर से इसको आपको पढ़ा दिया है अभी। वी हैव कंप्लीटेड टुडे अप टू पेज नंबर टू, पेज नंबर टू तक आज हमने अपने वीडियो में पढ़ा है। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, ऐसे कौन से नए राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और सोशल यानी सामाजिक ग्रुप्स थे जो कि इस 1100 वर्षों के काल में 700 CE टू 1800 CE का जो ये टाइम था, मेडिवल्स जिसको बोला है, ये जो टाइम था इसमें कौन से ऐसे ग्रुप आए, सोशल और पॉलिटिकल यानी सामाजिक और राजनीतिक, ऐसे कौन से ग्रुप थे जिन्होंने सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमारे देश पर डाला, एक महत्वपूर्ण प्रभाव अपने देश पर डाला, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स,
डू योर रिटर्न वर्क रेगुलर, अपना रिटर्न वर्क जो है वो रेगुलर करते रहिए, एंड लर्न देम आल्सो, और उनको लर्न भी करते रहिए. हैव ए नाइस डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय.